आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए 5 अभियुक्त कॉलेज के छात्रों को देहरादून पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस को दिनांक 24 अप्रैल की रात में मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि पंडितवाड़ी क्षेत्र में सद्भावना कुंज के पास एक मकान में कॉलेज के कुछ छात्रों के द्वारा आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगाया जा रहा है। उक्त सूचना पर क्षेत्राधिकारी डालना वाला महोदय के नेतृत्व में कोतवाली कैंट तथा एसओजी देहरादून के संयुक्त टीम द्वारा उक्त घर पर दबिश दी गई तो मौके पर पुलिस टीम को 5 अभियुक्त आदित्य अमन, प्रणव कुमार, आमिर कुमार, सत्यम हर्ष कुमार आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए मिले, जिनके पास से ऑनलाइन सट्टे में प्रयुक्त किया जा रहे 7 मोबाइल फोन, 14 एटीएम कार्ड, रजिस्टर और 30,000 रुपए नकद और अन्य सामान बरामद किया गया। मकान की तलाशी लेने पर पुलिस टीम को उक्त अभियुक्तों के पास से 70 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब, हरियाणा और चंडीगढ़ मार्ग का भी बरामद हुई, जिस पर सभी 5 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार करते हुए बरामद सामान को पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में से 2 यूआईटी प्रेमनगर तथा 2 जेबीआईटी सहसपुर के छात्र हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कैंट में जुआ अधिनियम तथा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिन्हें माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। नवभारत समाचार देहरादून उत्तराखंड से अनिल कुमार गुरु की रिपोर्ट। देखिए, कल हमारे को सूचना मिली थी कि जो कोतवाली कैंट क्षेत्र में एक कॉलोनी में कुछ लोग जो है आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगवाते हैं। इस सूचना पे हमारे जो सीओ ऑफिस के नेतृत्व में कोतवाली कैंट की और एसओजी की टीम द्वारा जो है वहाँ पर रेड की गई, तो उनके पास वहाँ पर हमें 5 अभियुक्त मिले, जिनके द्वारा जो है ऑनलाइन आईपीएल में सट्टा लगवाया जा रहा था, जिनके पास से लगभग 7 मोबाइल और 14 एटीएम रजिस्टर और साथ ही 23,000 रुपये कैश मिला। इसके अतिरिक्त जो बैंकों में जो ट्रांजैक्शन की जा रही थी उसके संबंध में हम लोग विवेचना कर रहे हैं। साथ ही वहां पर से करीब 70 बॉटल्स जो है अंग्रेजी शराब भी मिली, जो कि इनके द्वारा कॉलेज के बच्चों को ही जो है बेची जाती थी। इसमें खास बात यह है कि जो 5 अभियुक्त हैं ये सभी स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से कि अलग अलग इंस्टीट्यूट में जो प्रेमनगर में वहाँ पर पढ़ते हैं। इनके संबंध में जो रिपोर्ट है इनके संबंधित इंस्टीट्यूट्स को भी भेजी गई है, जिनके जिनके जिनसे जो है उनके सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। पता चला मैम कब से कर रहे थे लोग, किस तरह से? देखिए, ये सारी अभी विवेचना में हम लोग देखेंगे कि लोग कब से कर रहे थे, क्योंकि सूचना पर हम लोगों ने कल रेड की है और जो चीज़ें मिली हैं वो ये चीज़ें वेरीफाई भी कर रही हैं। इनके द्वारा जो है एक ऐप के माध्यम से जो है जो ये बेटिंग करवाई जाती थी उसके बारे में भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में चेक कर रहे हैं। क्योंकि ये शराब तस्करी भी कर रहे थे हरियाणा चंडीगढ़ से, तो किस तरीके से, क्या कोई और इनको लाकर दे रहा था या खुद ही वहाँ से लेकर आ रहे थे किसी तरीके से? देखिए, ये अभी तो क्योंकि वहाँ पर से मिली है और ये कैसे लाते थे ये सब विवेचना का विषय है।